jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक ट्रेन के हाईवे से गिरने के चलते 3 की मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसा सोमवार सुबह करीब 7:40 टकोमा के पास हुआ, जब सिएटल से पोर्टलैंड जाने वाली एमट्रैक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से नीचे लटक कर हाईवे पर आ गिरे। ट्रेन के डिब्बे हाईवे से गुजर रहे ट्रक और दूसरे वाहनों पर आ गिरे। खुशकिस्मती से इनमें से कोई घायल नहीं हुआ। ओरेगन के मेयर ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने सभी डिब्बों की तलाशी ले ली गई है और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घायलों में कईयों की हालत गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें, एमट्रैक की इस ट्रैक पर चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन थी। इससे पहले तक इस ट्रैक का उपयोग सिर्फ मालगाड़ियों के लिए हुआ करता था। हादसे के चलते हाईवे पर दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया। हादसे की वजह से कई हाईवे पर मलबा फैल गया और सैकड़ों कारें फंस गईं। हादसे में बच्चे एक पैसेंजर ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वह नींद में था। अचानक ही तेज आवाज हुई और हम सब घबरा गए। डिब्बे से झांक कर देखा तो वह हाईवे पर लटका हुआ था। वहीं एक अन्य पैसेंजर ने बताया कि वे इमरजेंसी खिड़की तोड़कर बाहर निकले।